ये 8 दिन चलने वाला खेल महोत्सव का उद्घाटन भी यहाँ पर हुआ है। इसमें भिन्न भिन्न प्रकार के खेलों का आयोजन हुआ है। अभी मानता हूँ कि बोरीवली के नगरजन बड़े पैमाने पर उत्सुकता से इस खेल महोत्सव के कार्यक्रम में जुड़े हैं। बच्चों को भी आप देखेंगे तो उनमें बहुत उत्साह है, बड़े पैमाने पर बच्चे भी आए हैं। मैं मानता हूँ कि आने वाले दिनों में हमने बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए इस प्रकार के खेल महोत्सव का आयोजन समय समय पर करते रहना चाहिए। अभी पिछले दिनों में सांसद खेल महोत्सव का हमने आयोजन किया, कबड्डी और क्रिकेट को हमने जोड़ा। अभी 8 दिन का महोत्सव होगा, नगर सेवक होने और सारे लोगों ने मिलकर इस प्रकार का खेल का आयोजन करते हैं तो नगर जन को एक बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। ऐसा मैं मानता हूँ बोरीवली के लोगों का ये भाग्य है कि बोरीवली में बहुत सारे ग्राउंड हम लोगों ने बचा कर रखा है, इसलिए इस प्रकार के खेलों का आयोजन हम समय समय पर कर सकते हैं। इस बजट में आपने देखा होगा कि देश के प्रधानमंत्री ने बजट में खेल के लिए बहुत सारी व्यवस्थाएं की है, इससे हमने आगे आने वाले दिनों में बच्चों को खेल के माध्यम से आगे बढ़ाना चाहिए, देश के नाम को आगे बढ़ाने का प्रयास हम सब लोग मिलकर करेंगे। खेलों की प्रतियोगिता हमने रखी है और पहले बार आपने देखा होगा कि पिछले साल हमने जब किया था करीबन 2500 स्कूल के छात्रा यहाँ पर आए थे, इस बार 7000 बच्चों ने इसमें हिस्सा लिया है। ये सबसे बड़ा महोत्सव मुंबई का हो रहा है और इसमें पहले बार मैच की कुश्ती तो हम बहुत जगहों पे देख रहे हैं लेकिन इसमें पहली बार हमारे साथ ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले, कॉमनवेल्थ में गोल्ड जीतने वाले और मैं मानता हूं कि पहले बार बोरीवली में मुंबई में ऐसे प्रतियोगिता में कुश्ती का आयोजन भी हमने किया है जो अगले शनिवार रविवार को होगी और जिसमें मिट्टी की कुश्ती है जो इन बच्चों ने कभी देखी नहीं होगी। ऐसी मिट्टी की कुश्ती में जिसको हमने हमारे कुश्ती के मैदान को नाम दिया है रुस्तमे हिंद दारा सिंह कुश्ती का मैदान, जो पहले बार मुंबई में हो रहा है और मैं नरसिंह यादव जी का धन्यवाद करता हूं। जैसे ये छोटे बच्चे आज स्केटिंग के लिए करीबन 1000 बच्चों ने स्केटिंग के लिए अपना नामांकन भरा है। मैं मानता हूं कि बोरीवली का ये खेल महोत्सव आने वाले 1 या 2 साल में महाराष्ट्र का सबसे बड़ा और सबसे बेहतरीन खेल महोत्सव। सर आपके साथ ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं आने वाले ये भारत के लिए आने वाले समय में स्केटिंग का प्रतिनिधित्व करने वाली है। ऐसे ये सभी बच्चे आने वाले समय में न बल्कि बोरीवली से बाहर जाते हुए पूरे महाराष्ट्र के बाहर जाते हुए देश में अपना नाम और देश का नाम विश्व में रोशन करे ऐसी हमारी मनोकामना। निशानाबाजी के लिए भी आपने राइफल शूटिंग सही महीने में मुंबई में एक ही क्लब है जो वर्ली में है तो इसके लिए हमने बोरीवली में तीरंदाजी और राइफल शूटिंग शुरू की है और हमारा ये सबका कहना है कि आज के बच्चे न बल्कि मोबाइल पे रहे, बाहर आते हुए मैदानी खेलों में उन्होंने अपना हिस्सा लेना चाहिए और अपने जिसको हम कहते हैं कि वैयक्तिक विकास को और अपनी शरीर संपदा को उन्होंने बरकरार रखते हुए आगे आना चाहिए करके हमारे इन बच्चों के लिए इतना बड़ा महोत्सव हमने किया है। जी जो जिस तरह स्पोर्ट्स का एक हब बना दिया है बोरीवली को, जिस तरह खुद भी खिलाड़ी रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई भी MLA आज तक स्पोर्ट्स पे इतना ध्यान दिया है। ये बच्चे आज छोटे छोटे हैं, इनको एक प्लेटफॉर्म देने का काम माननीय आमदार जी ने किया है और मैं पूरे मतलब हर्षोल्लास से बोलना चाहूँगा कि इन बच्चों को प्लेटफॉर्म मिला तो इन्हीं बच्चों में से आगे चलकर लोग इंटरनेशनल, एशिया और ओलंपिक तक बच्चे जाएंगे। अगर हम बच्चों को प्लेटफॉर्म ही नहीं देंगे तो बच्चों का टैलेंट खत्म हो जाएगा। आपका शो कितना रहेगा? बिल्कुल, मैं सर के साथ एकदम खड़ा हूँ, सर जहाँ बोलते हैं मैं आता हूँ। अगले 11-12 तारीख को हमने मिट्टी का कुश्ती बहुत बड़ा आयोजन रखा है वहाँ दारा सिंह एक स्टेडियम कुश्ती के लिए हम वहाँ ओपन कर रहे हैं जिससे कि छोटे छोटे बच्चे जो कुश्ती भी सीखना चाहते हैं वहाँ आ सकेंगे। तो सर ने हर एक गेम में चाहे स्केटिंग हो, चाहे राइफल शूटिंग हो, चाहे कुश्ती हो, मिट्टी से जुड़ा हुआ गेम जो भी है सब में सर ने एकदम दिल खोल के यहाँ पे बोरीवली के वासियों को दिया है कि जो भी जो बच्चा जिसमें इंटरेस्ट हो उस फील्ड में आके वहाँ पे आगे बढ़े और देश का नाम और इस बोरीवली का नाम रोशन करे।